बच्चों, हमने जो है पहले जो पढ़ चुके हैं अध्याय एक, तो उसके हम एक तो तरह से रिवीजन भी होगा ये, जिसके लिए हम ये क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं लगातार। ये जो है हम एक बार पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, इसलिए ये किया गया है। जैसे कि प्रश्न एक है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। शहर रह में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन सामग्रियाँ क्या होती थी? पेड़ पौधे से उत्पाद, अंडे, मांस, मछली, विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, चावल, सफ़ेद चना और तिलहन आदि होते थे। उसी तरह से दूध, दही, घी, संभवतः शहद भी उस समय प्राप्त होता था, और कई बार जले हुए अनाज के दानों, बीजों, हड्डियों आदि से भी सहायता यहाँ के लोग खान पान की आदतों का पता लगता है। हड़प्पा के लोग जो अधिक मात्रा में पेड़ पौधे के उत्पाद और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का ही सेवन करते, ये सारी चीज़ें तुम लोग को बताया जा चुका है पहले भी। और यहाँ पर दुधारू पशुओं का भी पालन किया जाता था, और फिर सिलीकेट में बनी जो है नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि यहाँ पर नींबू, खजूर, अनार, नारियल जैसे फलों की भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर पुरातत्व हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ भी हमने आप लोग को बता दी। आर्थिक और सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे समाधानों का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं की खोज। फिर ये भी हमने आप लोग को बता दिए थे कि समाधानों का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। तो समाधान क्या है, इसमें सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए समाधान का अध्ययन करते समय अनेक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। जैसे कई लोग होते थे मृतकों को समान रूप से गड्ढा करके उसमें दफना दिया जाता था, किंतु कई समाधानों गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं होती थी। समाधान गर्तों की बनावट सामान्य थी, और कई जो थे ईंटों की चिनाई की बनी हुई थी, और कई गर्तों को पाई जाने वाली विविधताओं से लगता है कि हड़प्पाई भिन्नताएँ विद्यमान थी। और उनके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ तो रख दिया जाता था, उसके अंदर मतलब उनकी आवश्यकता की चीज़ें जो होती थी वह पूरी उनके साथ ही दफना दिया जाता था। जैसे कि हमने पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, जैसे दर्पण है, सीप है, सुरमे हैं, सलाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जब हमने खुदाई की तो उनमें ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई। उसके साथ साथ छल्ले, जेस्पर, मनके, सैकड़ों छोटे छोटे मनकों से बनाया गया कलिंगबंग, छोटे छोटे बता गड्ढों में राखदानियाँ या मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इससे एकत्रित करने से स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई सभ्यता अंतिम संस्कार विभिन्न तरीके भी उसमें थे। जैसे कई लोग अंतिम संस्कार उसे जलाकर करते थे, इसलिए वो मटकों में जो राखदानियाँ जो प्राप्त हुई हैं उसमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती थी। फिर विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना, जिस तरह से समाधान के समय में बहुत सारी वस्तुएं जो हैं मृतक के साथ रख दी जाती थी, तो ये सारी चीज़ें चक्कियाँ हैं, भ्रहण हैं, सुइयाँ हैं, झावा हैं आदि चीज़ें जो विलासिता की वस्तुएं हैं, वह सारी चीज़ें भी खुदाई में प्राप्त हुई हैं। फिर है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शहरों के जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, तो कारण बताइए। तो ये संभव है कि जब हड़प्पाई नगरों की स्थापना वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित थी, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले ही बताया कि वहाँ पर पक्की ईंटों से बनी हुई छोटी छोटी नालियाँ होती थी, स्नानाघर होते थे, शौचालय से जुड़ी हुई होती है, घर का सारा गंदा पानी जो है पानी की पास जो नालियाँ बनी होती थी उसके द्वारा निकास की जाती थी, मध्य आकार की नालियाँ बड़े सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों से मिलती थी, मतलब ये समकोण से स्तर पर ये काटती थी, मतलब कच्ची नालियाँ नगरों से निकलकर बड़े बड़े शहरों बड़ी नालियों तक ये मिलती थी, और कई नालियाँ तो ऐसे पक्की ईंटों से बनी हुई थी जो ढकी हुई थी, आवश्यकता अनुसार इन नालियों की सफाई भी की जा सकती थी। मतलब इस तरह से आप लोग को ये सारी चीज़ें पहले भी बताई जा चुकी है, रिविजन के तौर पर ये प्रश्नोत्तर के साथ साथ आपको ये बताया जा रहा है। बड़े नाले ईंटों तथा तराशे गए पत्थरों से ढके हुए होते थे, टोना मेहरावदार होते थे, और ये जो है 6 फुट गहरा और संपूर्ण नगर गंदे पानी को बाहर ले जाता था। मल जल निकासी के लिए भी मुख्य नालों से थोड़ी दूरी दूर पर आयताकार हौदियाँ बनी हुई होती थी, ताकि नालों को आसानी से सफाई किया जा सके। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। मनके क्या है, मनके जो मोतियाँ जो होती थी, माल्या जो बनाए जाते थे, वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? जैसे कार्नेलियन, जेस्पर, स्टफेद, कार्डज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं जो होती थी, जिनसे कि फायंस और पक्की मिट्टी आदि जो होते थे, जिनसे मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाए जाते थे। जैसे मनके को सोने का टॉप भी होता था, मतलब उनको
जिस तरह से सोने की मोतियाँ होती हैं, जैसे दूसरी मोतियाँ होती हैं, वह सब भी इनके द्वारा ही तैयार किया जाता था। फिर जिस तरह से कि हम देख किसी भी प्रकार से सब किस प्रकार रखा गया है, कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं, क्या शरीर कोई परावस्तुएं हैं, कंकाल के लिंग का पता चलता है, मतलब ये सब हम कैसे पता लगाते हैं। सबको देखने से पता चलता है कि सबके उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था, दैनिक वस्तुएं रखी गई थी, मतलब इस तरह से हम ये सारी चीज़ें जो हैं मृत शरीर के पुरातत्व लिंग का भी पता लगाया जा सकता है। तेरह मोहन जोदड़ो के कुछ विशिष्टताओं का वर्णन, जैसे सुनियोजित नगर होना। सुनियोजित नगर, इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं आपको कि 125 हेक्टेयर में यह फैला हुआ था। यह शहर जो है दो भागों में विभक्त था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग या किला था और नीचे एक नगर बसा हुआ था। इसी तरह कच्ची ईंटों के कई चबूतरे भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन भी होते थे, प्रशासनिक कार्य जहाँ पर होते रहे होंगे। ईंटों की दीवार भी है। दुर्ग के निचले शहर में भी अलग अलग कार्य करती है। इस तरह से कहीं जो है दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा रिहायशी क्षेत्र भी होते थे, जहाँ पर शिल्पी आदि रहते थे। निचले शहर में कई चारों ओर दीवारें भी बनाई गई थी। अनेक भवनों को भी ऊंचे निर्माण जो चबूतरे थे वह निर्माण किए गए थे। इस तरह से नगर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो कि हमने पहले बता चुके हैं, इसलिए हम ये शॉर्ट में तुम लोग को दिखा रहे हैं और इसे आप लोग को कॉपी में नोट भी करनी है। फिर सुव्यवस्थित सड़कें एवं नीतियाँ, ये भी हमने आपको अभी बता दिया है कि सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ जो हैं अभी समकोण पे काटती थी, तो कि जिनसे कि पक्की ईंटों की बनी हुई थी और ढकी हुई होती थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई हौदियाँ बनी हुई थी जिससे कि नाले की सफाई की जा सके। फिर यहाँ पर जो था विशाल स्नानागार, अन्नागार ये भवन भी मिले, मतलब जो था जो भी भवन था उसके बीच में बहुत बड़ा भवन जो होता था स्नानागार होता था। जलाशय के दुर्ग के जो टीले थे उसके स्नानागार के अनोखे उदाहरण प्राप्त होते हैं। फिर इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर जो थे कई प्रकाश के लिए आड़े तिरछी रोशनदान भी बनाए गए थे। ईंटों के चबूतरे भी कतार में प्राप्त होती हैं। एक बड़ी ओखली नुमा का भी निशान मिलता है। फिर विशाल स्नानागार जो है एक तरफ लंबा भवन होता था, जिसमें कि माता अनुसार यह भी हम कह सकते हैं उच्च अधिकारी यहाँ निवास करता रहा होगा, और उनके भवनों के समकक्ष भी था, जहाँ की पांच पांच ईंटों की ऊंचाई पर चार चार चबूतरों की पंक्तियां में थी। फिर हमने देखा कि कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध मोहनजोदड़ो में हमके जब खुदाई में जो सारी चीज़ें मिली हैं, हमें देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पर आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक इकाइयाँ कोई भी स्पष्ट भेद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो राजा हो सकता था, मैदानी व्यापारी भी हो सकता था। मोहनजोदड़ो नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था, जिससे कि अत्यधिक कुशल और उत्तरदायी होते थे, जो कि सुनियोजित ढंग से नगर की सफाई और जल निकास, उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा, सरायों की व्यवस्था, उन्नत व्यापार, माप तोल, एक रूप माव, मतलब ये सारी व्यवस्थाएं जो देखने से ये पता चलता है कि उस समय कुशल और व्यवस्थाएं जो नागरिक का जो प्रबंध था वो बहुत ही अच्छे थे। फिर हस्तशिल्प जो है दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के समय जो कच्चे माल का सूची जो है वह किस तरह से, कच्चे माल क्या क्या होते थे, ये भी हमने आपको बता चुका है कि जैसे आभूषण बनाना, रंगाई करना, मनके बनाना, लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी, नौका बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं कच्चे माल से ही उत्पादन किया जाता था। शिल्प उत्पादन के लिए चिकनी मिट्टी, पक्की मिट्टी, तांबा, टिन, कांसा, सोना, चांदी, सीपियाँ, कौड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के पत्थर, अकीक, नीलम, स्फटिक, कांच, सीलकड़ी आदि मिट्टियाँ, जो बर्तन की सुइयाँ, पयन तकनीकियाँ, जो मन के सुगंधित पदार्थ, सूत, ऊन, ये सारी चीज़ों के लिए कच्चे माल का यहाँ पर उपलब्ध होता था। फिर उसके बाद है कि पुरातत्वविद जो है किस प्रकार के अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुरातत्वविद कौन है, जो इतिहासकार होते थे। हम देखते हैं कि विद्वानों को पाई गई कई लिपियां जो हैं पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद भी पुरातत्व वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति पुनर्निर्माण की सहायता रही है, जैसे मिट्टी के बर्तन और औजार, मतलब ये सारी चीज़ें जो है इतिहास की जानकारी के लिए जो तत्व हैं वे सारी चीज़ें, जैसे धातु है, पत्थर है, चीज़ें हैं, पत्थर, चिकनी मिट्टी आदि हैं, जैसे कि जिन्हें पुनर्निर्मित करके अपूर्व वस्तुएं की जाती है। फिर हड़प्पाई समाज के शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का चर्चा कीजिए।
हड़प्पा सभ्यता के जो राजनीतिक संगठन थे, उस समय जो शासक हुए वह किस तरह से कार्य करते थे, उनके रजवाड़े किस अनेक राज्यों रजवाड़ों में विभक्त था, जैसे कि मोहनजोदड़ो पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कलीबंग और गुजरात में लोथल, इस तरह से अनेक विद्वानों से हड़प्पा सभ्यता के अनेक राज्यों के अस्तित्व का पता चलता है। फिर इतिहासकारों का विचार भी है कि जैसे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह शहरों के हड़प्पा के शहरों ईंटों का जैसा ही आकार भी है, प्रशासनिक नियंत्रण का कारण भी था, और ये सारे कार्य उस समय जो है संभावित शासकों द्वारा बहुत अच्छे से किया जाता था। फिर है कुछ अन्य विद्वानों द्वारा संभवतः पूर्ण संपूर्ण राज्यों रजवाड़ों में विभक्त था, जिसके कारण कि हम ये शासक जो थे उस समय बहुत ही अच्छे से नियमानुसार हर चीज़ कार्य जो है बहुत अच्छे से करते थे। हड़प्पाई शासकों को सर्व प्रजा हित की चिंता रहती थी, जिसमें कि अनाजों को विशाल अन्नागारों में सुरक्षित भी रख लिया जाता था, और भावी आपात स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जा सके। जो है इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं ये आपको लोग के लिए अच्छा है।